हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी में। दोस्तों, आज का ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है, मध्य प्रदेश NHM कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की सेकंड सेशन की पहली वेटिंग लिस्ट यहाँ पे क्लियर हो चुकी थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो वेटिंग लिस्ट यहाँ पे क्लियर हुई है, कौन सी मेरिट रैंक तक अलॉटमेंट यहाँ पे आ चुका है, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको कवर करके देने वाला हूँ। और सभी कैटेगरीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जनरल SC ST OBCs। और बताना चाहता हूँ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो यहाँ पे शुरुआत में निकाली गई थी, इसकी यहाँ पे मैं हेल्प लूँगा। इस बेसिस पर मैं आपको बता पाऊंगा कि कौन सी मेरिट रैंक तक कैटेगरी वाइज यहाँ पे लास्ट अलॉटमेंट दिया जा रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है, दिल से वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, ऐसी मेरी यहाँ पे उम्मीद है सेकंड वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे जारी होगी। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अगर वेबसाइट पर यहाँ पे आती है तो हमारा यूट्यूब चैनल सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कवर करेगा। और उसके लिए क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो के नीचे आइए, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन आगे इसी तरीके से आगे भी पाते रहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन अब आपसे यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को। और यहाँ पर सबसे पहले जो वेटिंग लिस्ट यहाँ पे क्लियर हुई है इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, वेटिंग लिस्ट जो यहाँ पे क्लियर हुई है मध्य प्रदेश NHM कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की सेकंड सेशन की पहली वेटिंग लिस्ट है, और जो कि यहाँ पे क्लियर हुई है, जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि मात्र जो है 85 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट यहाँ पे क्लियर हुई है। और थोड़ा नीचे की तरफ मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, चयनित अभ्यर्थियों की जो सूची नीचे की तरफ यहाँ पर दी जा रही है, और कैटेगरी वाइज मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए, चयनित अभ्यर्थियों की सूची की हम यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, कौन सी मेरिट रैंक तक अभी लास्ट अलॉटमेंट दिया जा रहा है। तो थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आखिरी का जो यहाँ पे कैंडिडेट है अनरिजर्व कैटेगरी से, वो देखिए सुरेंद्र नाम के कैंडिडेट हैं, और देख पा रहे हैं 498 मीन्स अभी लास्ट अलॉटमेंट आया है अनरिजर्व कैटेगरी से। देखिए 498 मेरिट रैंक तक आया है। अगला जो यहाँ पे आवंटन आएगा, अगला जो भी यहाँ पे अलॉटमेंट आएगा अनरिजर्व कैटेगरी में, इस रैंक के बाद ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, 498 मेरिट रैंक तक जो है अनरिजर्व कैटेगरी में अभी लास्ट अलॉटमेंट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का यहाँ पे आ चुका है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली जो कैटेगरी हमारे यहाँ पे रहने वाली है, वो रहेगी OBC कैटेगरी। तो थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, और आखिरी कैंडिडेट की ओर मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, जो कि OBC कैटेगरी में रहने वाला है। तो देख सकते हैं आखिरी कैंडिडेट यही है OBC कैटेगरी में, और 56 नंबर पर। और यहाँ पर देखिए ममता नाम की ये कैंडिडेट है, और देख सकते हैं 4293 जो है कंबाइंड मेरिट रैंक है। और देखिए ये OBC कैटेगरी में नहीं है और ये कंबाइंड मेरिट रैंक है। सबसे पहले हम इनकी OBC कैटेगरी में इनके यहाँ पे मेरिट रैंक यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। तो सीधे से यहाँ पे मैं क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट की ओर यहाँ पे ले चलता हूँ, और ये फाइंड आउट कर लेता हूँ 4293 पे यहाँ पे देखिए कौन सी कैटेगरी रैंक यहाँ पे रहने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 4293 कंबाइंड मेरिट रैंक है, ममता नाम की वही कैंडिडेट है OBC में, जिनको यहाँ पे लास्ट अलॉटमेंट दिया जा रहा है। और देख सकते हैं 651 मीन्स OBC कैटेगरी में अभी देखिए 651 यहाँ पे मेरिट रैंक तक जो है अलॉटमेंट यहाँ पे आ चुका है। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रोवाइड करा ली। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली जो कैटेगरी हमारी यहाँ पे रहने वाली है। तो सीधे से मैं आपको यहाँ पे वेटिंग लिस्ट की ओर यहाँ पे ले चलता हूँ। तो दोस्तों, अगली जो कैटेगरी रहेगी वो रहेगी शेड्यूल कास्ट की, और यहाँ पे देखिए आखिरी कैंडिडेट की ओर मैं यहाँ पे ले चलता हूँ। और देखिए शेड्यूल कास्ट के जो यहाँ पे आखिरी कैंडिडेट हैं वो देखिए यहाँ पे रहेंगे अनिल कुमार, और यहाँ पे देखिए 8608 इनकी कंबाइंड मेरिट रैंक यहाँ पे रहती है शेड्यूल कास्ट में, इनको लास्ट अलॉटमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट की ओर यहाँ पे ले चलते हैं, और ये फाइंड आउट कर लेते हैं 8608 कंबाइंड मेरिट रैंक पे यहाँ पे शेड्यूल कास्ट में इनकी कैटेगरी रैंक यहाँ पे क्या रहेगी। तो सीधे से लिस्ट की ओर हम यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 8608 अनिल कुमार वही कैंडिडेट है, जिनको देखिए शेड्यूल कास्ट में लास्ट अलॉटमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। और देख सकते हैं 453 मेरिट रैंक मीन्स शेड्यूल कास्ट में 453 यहाँ पे रैंक तक यहाँ पे अलॉटमेंट आ चुका है। तो बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गई होगी, जितना भी अलॉटमेंट आएगा इस रैंक के बाद आपको आगे देखने को मिलेगा आगे जो लिस्ट यहाँ पे आती है। अब दोस्तों, अंतिम जो कैटेगरी यहाँ पे रहेगी वो रहेगी शेड्यूल ट्राइब की, और यहाँ पे सीधे से वेटिंग लिस्ट की ओर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, वापस से हम लोग यहाँ पे लिस्ट की ओर यहाँ पे आ चुके हैं, और आखिरी का जो कैंडिडेट यहाँ पे रहेगा शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में, तो देख सकते हैं 17072 17072 जो यहाँ पे कंबाइंड मेरिट रैंक है शेड्यूल ट्राइब में आखिरी कैंडिडेट, इनको यहाँ पे सिलेक्शन मिल चुका है। जया नाम की ये कैंडिडेट है, और सीधे से क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट की ओर यहाँ पे बढ़ जाते हैं, और ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब में इनकी कंबाइंड मेरिट रैंक जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे क्या रहने वाली है।
तो दोस्तों जैसा कि सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 17072 कंबाइंड मेरिट रैंक है। जया नाम की वही कैंडिडेट है जिनको देखिए शेड्यूल ट्राइब में लास्ट अलॉटमेंट के तौर पर यहाँ पे लिस्ट में शामिल किया गया है। और आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं शेड्यूल ट्राइब में अभी जो आखिरी अलॉटमेंट आया है वो रहेगा यहाँ पे 624 यहाँ पे मेरिट रैंक पे। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, इसके बाद जो भी अलॉटमेंट आएगा इसी मेरिट रैंक के बाद आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। और पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, सारी जितनी भी यहाँ पे कैटेगरी वगैरह थी सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे जनरल एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोवाइड करा दी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई होगी, और कोई भी सवाल वगैरह कोई भी डाउट वगैरह है आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। और सबसे आपको पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है। अगर लगता है कोई ना कोई जानकारी आपको इस वीडियो में यहाँ पे प्राप्त हुई है तो लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को, और दिल से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह कोई भी सवाल वगैरह है आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को यहाँ पे शेयर कर दें, सभी लोगों को ये जानकारी यहाँ पे बता दें कौन सी मेरिट रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। तो शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स लोगों में, और जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसी मेरी उम्मीद रहेगी कि सेकंड वेटिंग लिस्ट भी यहां पे जल्द से जल्द वेबसाइट पे आ सकती है। और चूंकि पहली वेटिंग लिस्ट यहां पे क्लियर हुई, उम्मीद करता हूं सेकंड वेटिंग लिस्ट भी वेबसाइट पे जल्द से जल्द यहां पे दी जाए। तो ये अपडेट आपको मिस नहीं करना है, और हमारा चैनल सारी इंफॉर्मेशन यहां पे कवर करेगा। तो वीडियो को नीचे आइए, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहां पे क्लिक कर लीजिए, आगे जितनी भी लिस्ट आ रही है सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे आगे भी मिलती रहेंगी। तो वीडियो को नीचे आके सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लें और जानकारी आगे पाते रहें। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।